देख रहे हो पीछे का नजारा कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो सब बताना सबको कैसा लग रहा है यहाँ पर ये हरियाली देख के। तो सर्दियों में तो बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। और इधर बैठे हैं मेरे बाबा जी, यहाँ पे हैं मेरे लड्डू और ये उनका हो चुका है भोग तैयार। तो यहाँ पे चल रही है हेडू की प्रैक्टिस और आप देख सकते हो गुन को चाहिए डोनेट, इसका इतना फेवरेट है देखो, इसको मतलब डोनेट चाहिए। आप देख सकते हो गाइस आखिरकार जीत हो गई। देखो दीदी गाइस आप देख सकते हो जीत इसकी, इसकी जीत देख लो आप। तो पिंकल की तरह तो हार रही है। शाम गाइस तो कहाँ जा रहे हैं मम्मा बता दो फटाफट से। अभी आपको दिखाते हैं, हम बताएंगे नहीं। इस लड़की ने जिद की है और बैठ द टाइम हमें बहुत सारी तैयारी करनी है तो हम फटाफट से मार्केट के लिए निकलेंगे। मेरी खुशी से पता चल रहा है कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है। चल जल्दी कर। तो हम मार्केट में आ चुके हैं और अभी आपको सरप्राइज रिवील कर रहे हैं। तो गाइस आप देख रहे हो हम आ गए हैं गणपति लेने और हर साल लेकर आती हूँ, पिछले साल नहीं ला पाई थी मैं, तो आज अंश ने जिद कर ली कि नहीं मम्मा आज तो लानी। अंश कुछ समझ आया? अंश आया कुछ समझ? हम सारे ले जाते हैं मम्मा। सही बात है। अभी हम दिखाएंगे नहीं हम कौन से लेकर जा रहे हैं, बट हमारे फाइनल हो चुके हैं, है ना अंश? अब खुश गाइस बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या कौन से वाले कन्नू लेने चाहिए। और ये सिमरन मैडम बड़े वाले कन्नू पे अटक गई है। बड़े वाले ना दिक्कत होगी उठाने में करने में, छोटे होंगे तो आराम से उठा देंगे। और चौकी वाले देखते हैं अब क्या फाइनल होता है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता ही लग जाएगा ना नेक्स्ट व्लॉग। तो गाइस हमने अपने कन्नू ले लिए हैं और आज हम इनको मुंह नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कल फाइनल। फाइनली तैयारी हो चुकी है डेकोरेशन की, मम्मा छोटा छोटा करके अब जगह जगह से डेकोरेशन का सामान लेंगे, तो कल के फाइनल लुक के लिए तैयार रहना आप लोग। और ये मैडम वहाँ पे हमारा वेट कर रही है, ये दुल्हन। तो गाइस डेकोरेशन की शॉप पे ये बच्चे आ चुके हैं और अब पता नहीं यहाँ मेरे कितनी देर ये लगवाएंगे, क्योंकि तो यहाँ भी सब कुछ इतना है कि हम लोग टोटली फिर से कंफ्यूज होने वाले हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। देख लो भाई जो लेना है तुमने। मैं पता क्या कह रही हूँ, सेंटर बिठाएंगे तो उसके ऊपर कुछ समथिंग ऐसे हैवी सा लगाएंगे। इस टाइप से तो हमने वो दो पैच ले लिए ना। हाँ तुम तो ये लोग लाइटिंग में इतने पजल हो रहे हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा लेना क्या। मेरे को यही बेटर लग रहा है, ये भी बहुत अच्छे। ये माता जी आप लोग गन्नू की शॉपिंग करते करते अपनी शॉपिंग पे आ गए हैं, क्यों भाई? क्यों भाई आपको भी नोना बनना है? यार अब गन्नू आएंगे तो हम रेडी शेडी भी तो होंगे ना। अच्छा क्या ले रहे हो? इयररिंग्स देख रहे हैं ड्रेस से मैचिंग। मेरे को भी कुछ दिला दो। सिमरन तूने क्या लिया है? अभी कुछ भी नहीं, ड्रेस ही फाइनल नहीं है। सी प्यारे लग रहे हैं गाइस। इन भैया ने हमारा बहुत बड़ा पपलू फिट कर दिया है। हम लोग क्या लेने आए थे मम्मा? हम लेने आए थे धुनी जलाने वाली, कह रहे कौन सी धुनी? आगे आगे हाँ। भैया याद आ रही है? अब कैमरा ऑन हो गया, अब याद आ रही है, धीरे धीरे आ रही है भैया को याद। गाइस ये बहुत मस्ती की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, भैया भूल गए कल का नाम, परसों बोलना था कल बोल दिया। तो गाइस धुनी तो मिली नहीं, फिर हम छोटी मोटी शॉपिंग में लग गए। तो गाइस उसके बाद हम आ गए थे घर, खाना वाना हमने बना के खा लिया है और अब हम ऐसे बैठ के जैसे हमारे पास काम ही नहीं है। अब मम्मा ले रहे वहाँ पे उबासी, काम है बहुत ज्यादा और फिर भी माता जी को आ रही है नींद। आप लोगों को कैसे लगते है कि ना
हम दोनों का बॉन्ड कैसा है? आपको नहीं होता 24 घंटे होते हैं ना दिन में, 8 घंटे मैं सोती हूँ, 16 घंटे तो मुझे डांट पड़ती रहती है। केले के पत्ते कौन से खांसी है क्या बताओ? मेरे को पता ही नहीं किसी चीज को। पक्की सच्ची देखो ये फूल मत देखो, दो तो कोई दो तो इधर देखो, सम्मान नहीं पड़ना क्या क्या है, लेकिन लिस्ट देखो हमारे यहाँ की एक ना हम लोग। तो गाइस कौन कौन गणपति ला रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत इतनी ज्यादा खुशी है। और आप सबको खुला इनविटेशन है, गणपति जी आ रहे हैं, सुबह गणपति जी आ जाएंगे, जब तक हमारा ब्लॉग डलेगा गणपति जी आ चुके होंगे, तो आप सबको खुला इनविटेशन है, आओ और गणपति जी के दर्शन कर लो। और अब हम हैं सोने की तैयारी में, डेकोरेशन वगैरह करेंगे सुबह क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गए मार्केट से आके। और वैसे आप लोगों को इंस्टा पे अपडेट मिलता रहेगा, तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे इंस्टा हैंडल शो होंगे। जिसको भी गणपति जी के लिए कुछ भी नया नया भोग बनाना आता हो तो प्लीज़ इन 11 दिनों में शेयर करें ताकि हम भी बना सके। प्लीज़ यार कुछ बताना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मोदक वगैरह मैं बना लेती हूँ बट थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज रहती है। अब सलोन पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा 10 से 12 दिन, और इधर से बाबा जी का भी, और अभी घर पे चिक भी नहीं लगी है तो सुबह चिक का भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिकॉज खुले में गणपति जी बैठेंगे। और गाइज हमारा एक भी ब्लॉग मिस मत करना कि एक पार्लर वाली होते हुए मैं हर कस्टम को बहुत अच्छे से निभाती हूँ। अभी कल हमारे गणपति आएंगे और 3 तारीख को हम जो मतलब पंजाबी लोग हैं हमारे गोस्वामी दास लाल दास की जोत निकलती है बहुत धूमधाम से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसे नहर पे कितनी सुंदर जोत जाती है वो भी दिखाऊंगी, और शायद मेरे मायके से मेरी फैमिली भी आएगी क्योंकि हम बहुत मानते हैं उनको, हमारे कुलगुरु हैं तो हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इन दिनों में आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, फिर श्राद्ध आ जाएंगे, कुछ दिनों का काम का भी ब्रेक, और उसके बाद तो फिर नवरात्रे तो काम चालू अपना। तो गाइज आप लोगों को घर के साथ शॉप का और शॉप के साथ पूजा का आपको तीनों चीज दिखाएंगे, और इनका ना झगड़ा भी दिखाया करूंगी मैं, कितना झगड़ते हैं ये लोग। गुन को तो फट से दिखा देते हैं ये, खुद के टाइम कैमरा बंद करते हैं, किसी दिन चोरी बना के डालूंगी मैं इनका। और गाइज वन मोर थिंग, हमारी गणपति जी की सीरीज भी कल से शुरू हो जाएगी, मम्मा 11 डेज की, वो तो बीच में टूट नहीं सकती। आप लोग सब मुझे कमेंट करना कि गणपति जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ यार मेरी ज़रूर मदद करना इस बारे में, क्योंकि कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, तो क्योंकि आप लोग भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है कि मुझसे कुछ चीज़ें मिस होती हों और आप लोगों को अच्छे से पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ कम और महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, आप हमारे भिवानी में भी बहुत अच्छे से मानने लग गए हैं। और गाइस आसपास नियर बाय जितने भी आप गांव के लोग हो, आसपास जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं और जो भी दर्शन करना चाहे वो खुले दिल से खुले मन से आ सकता है, शॉप पर आइए आप, आपके पास शॉप का एड्रेस है, आप वहां आ सकते हो, वहां से मैं खुद लेकर आऊंगी आपको। कितना बोलते हो, वो बोर हो रही है तो करिए, चल फटाफट करो एंडिंग कर देते हम फटाफट। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना। और कल ब्लॉग से पहले पहले जिसको मेरे गन्नू देखने हो तो शाम को सारी रील अपलोड हो जाएंगी अंश के इंस्टा पे और मेरे पे भी। तो चले मम्मा, कल से तो गणपति बप्पा मोरिया से एंडिंग होगी, वहीं से स्टार्ट ही बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया। गाइस मम्मा कह रहे हैं हमारे बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे, तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम।